नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव हरदोई मार्ग पर बने गड्ढों की वजह से हो सकता कोई बड़ा हादसा। आपको बता दें कि उन्नाव हरदोई मार्ग पर यात्रा करने वाले लोग सावधानी से यात्रा करें, क्योंकि जरा सी चूक से कभी भी उन्हें हादसों का शिकार होने के साथ जान तक से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि इस समस्या के जिम्मेदार सरकारी अमले के अधिकारी हैं, जो सब जानते हुए भी सड़क के गड्ढे देखकर भी इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। काली मिट्टी चौराहे से उन्नाव की ओर माथर सफीपुर चकलवंशी तक आमजन की कल्पना से कहीं अधिक गड्ढे हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने जब इन गड्ढों की पड़ताल की तो पता चला कि रोड पर सैकड़ों से अधिक छोटे बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे इस मार्ग पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आते हैं। खास तौर पर माथर के पास कुछ बड़े गड्ढे हैं जो कभी भी किसी की जान लेवा साबित हो सकते हैं। वहीं काली मिट्टी चौराहे के पास कई बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से हो सकता है बड़ा हादसा, जा सकती है किसी की जान। बड़ी बात यह है कि इसी स्टेट हाईवे से दिन में कई कई बार विधायकों का व जनप्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस गंभीर समस्या पर नहीं जाता है। वहीं जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर भी इस समस्या को लेकर आंखें मूंदे हुए हैं। इस हाईवे के जिले में कुल लंबाई करीब 65 किलोमीटर है। कहने को तो कागजों पर यह राजमार्ग स्टेट हाईवे है, लेकिन इसकी हालत सामान्य सड़कों से भी खराब है। क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि इस हरदोई उन्नाव मार्ग पर बने गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।